नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश खारोल। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शाकंभरी ट्रैक्टर सर्विस पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आज अपन फार्मटेक सिंगल क्लच के अंदर यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप के क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। उस पर आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी दोस्तों कि किस ट्रैक्टर में किस टाइप का क्लच और प्रेशर प्लेट यूज़ होता है। दोस्तों, उसका MRP और पार्ट नंबर बताया जाएगा, जो कि टॉप जेन्युइन में मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल शाकंभरी ट्रैक्टर सर्विस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही ट्रैक्टर संबंधित और भी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हौसला देता है और भी नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध करवाया जाए दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही आपको ट्रैक्टर संबंधित और अन्य मोटर व्हीकल संबंधित आपको पार्ट्स संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते रहे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, ये हमारे पास फार्मटेक ईटॉप के सबसे ज़्यादा चलने वाला क्लच और प्रेशर किट है, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। ये सिंगल क्लच के अंदर है, जिसमें फिंगर वाला क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट और डायफ्राम वाला क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट सबसे ज़्यादा चलता है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें एक टाइप का और क्लच और प्रेशर आता है, जो पंखुड़ी वाला होता है, उसको अभी आपको बताएंगे दोस्तों। तो हमारे पास ये अभी वीडियो के स्क्रीन में देख सकते हैं, ये क्लच और प्रेशर प्लेट पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ओल्ड मॉडल में ये इस तरह का फिंगर वाला क्लच प्लेट रहेगा, जिसका पार्ट नंबर है D1006253.91 1668, इसका MRP है दोस्तों अभी। और इसका प्रेशर प्लेट है, वो भी आपको बता देते हैं। इसका प्रेशर प्लेट है D1001173.09, और ये आएगा प्रेशर प्लेट 2943, इसका MRP है दोस्तों। तो ये दोनों हैं, जो फिंगर वाला क्लच और प्रेशर प्लेट है जो यूज़ होता है दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर। दूसरा है डायफ्राम वाला क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। डायफ्राम वाला क्लच प्लेट के नंबर देख सकते हैं D1087099.09, डिस्क असेंबली ट्रांसमिशन क्लच 2871, इसका MRP है 2871। और इसका प्रेशर प्लेट ये देख सकते हैं आप, प्रेशर प्लेट के नंबर D1087097.09, प्लेट एंड कवर असेंबली क्लच 4085, इसका MRP ये डायफ्राम वाला है। दोनों को अनबॉक्सिंग करके भी बता देते हैं दोस्तों, साथ ही हम तीसरे का भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो ये हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं दोस्तों, जो फिंगर वाला क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट सेट है, देख सकते हैं इस तरह से आएगा। इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे दोस्तों। तो फिंगर वाला क्लच प्लेट ये साधारण जो ओल्ड मॉडल में यूज़ होता है, वो इसी तरह का यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा रनिंग है ये भी दोस्तों। ये फ्लाईवेल साइड लगेगा क्लच प्लेट, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फार्मटेक के ओल्ड मॉडल जितने भी रनिंग ट्रैक्टर है, उसमें इसी टाइप का क्लच प्लेट यूज़ होगा, जो कि पुराने मॉडल में और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है अभी तक चलने वाले ट्रैक्टर है जितने भी रनिंग। तो दोस्तों, ये फार्मटेक के 30, फार्मटेक 35, फार्मटेक 0, फार्मटेक चैम्पियन, फार्मटेक 45, फार्मटेक 50 और फोर्ड जितने भी ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर है, उसमें इसी टाइप का क्लच प्लेट और ये फिंगर वाला प्रेशर प्लेट यूज़ होगा दोस्तों। मोस्ट रनिंग क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है, पुराने मॉडल में यही यूज़ होता है दोस्तों, इसे स्टॉक में रखना ज़रूरी है दोस्तों। इसको हमने बाहर निकाल लिया, ये फिंगर वाला प्रेशर प्लेट ये देख सकते हो, ये इस पर भी स्कोप का लोगो आएगा, ये देख सकते हैं फिंगर वाला, ये फिंगर लगे हुए है इसलिए इसको फिंगर वाला बोलते हैं। ये प्रेशर प्लेट है और ये देख सकते हैं अंदर से, ये इस तरह से आएगा, स्प्रिंगें लगी हुई है अंदर, देख सकते हैं तीन फिंगर लगे हुए हैं तीन, और ये देख सकते हैं ये प्रेशर प्लेट, ये फिंगर वाला तो सादे मॉडल में लगता है फोर्ड फार्मटेक में, बहुत ज़्यादा रनिंग है दोस्तों। और ये फिंगर वाली क्लच प्लेट जो भी बहुत ज़्यादा रनिंग है दोस्तों, जिसमें 1668 तो क्लच प्लेट का MRP और 2943 इसके प्रेशर प्लेट का MRP है दोस्तों। और ये डायफ्राम वाला सेट है, इस तरह से आएगा ये डायफ्राम वाला, इसके पार्ट नंबर D1D1087099.9 है, MRP 287, जैसा कि आपको बता ही दिया। इसको आपको अनबॉक्सिंग करके बता देते हैं।
ये क्लच प्लेट आएगा दोस्तों डायफ्राम वाला, देख सकते हैं इस तरह से 6 स्प्रिंग आएगी इसमें भी, इसके पार्ट नंबर भी अंदर देख सकते हैं D10870990, ये फ्लाईवेल साइड लगेगा ये लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, और ये टॉप का लोगो जेन्यून है, ये इस साइड भी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये डायफ्राम वाला आएगा जिसका MRP 2872 आपको बता दिया है दोस्तों। और इसका प्रेशर प्लेट ये आएगा दोस्तों, इसको भी आपको अनबॉक्सिंग करके बता देते हैं, इस तरह से आएगा प्रेशर प्लेट, बाहर निकाल के बता देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इस तरह से आएगा प्रेशर प्लेट डायफ्राम वाला देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इसके भी ऊपर ये यूट्यूब का लोगो है देख सकते हैं, यूट्यूब का लोगो आएगा, ये देख सकते हैं। एक और आएगा दोस्तों, उस पर भी आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये डायफ्राम वाला क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट फार्मटेक के चैम्पियन वेल्यूमैक्स मॉडल के अंदर यूज होता है दोस्तों, और जो सादा वाला है वो फार्मटेक 35-45 और पॉड मॉडल में यूज़ होगा, और ये है दोस्तों फार्मटेक के लॉर्ड मैक्स चैम्पियन मॉडल में यूज़ होगा, जिसका पार्ट नंबर देख सकते हैं D100900200.9, डिस्क असेंबली ट्रांसमिशन क्लच, सबसे ज़्यादा MRP है 5673-5673 जो फैन नंबर है, और ये प्रेशर प्लेट आएगा D10328-290.9 लेट एंड कवर असेंबली क्लच 4834-4834 इसका MRP है। ये फार्मटेक के चैम्पियन लॉर्ड मैक्स मॉडल के अंदर यूज होता। तो ये तीनों ही टाइप के क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट थे, जिसमें ये तीसरे टाइप का है जिसको आपको अनबॉक्सिंग करके भी बता देते हैं दोस्तों, इसको बाहर निकालेंगे। ये थोड़ा कॉस्टली आता है दोस्तों, फैन नुमा पंखुड़ी नुमा क्लच प्लेट भी बोलते हैं, तो इनको अपन अनबॉक्सिंग कर लेंगे दोस्तों और पूरा आपको बता देंगे। MRP और पार्ट नंबर आपको बता ही दिए दोस्तों। फर्स्ट में हमने दो टाइप के क्लच और प्रेशर प्लेट डिस्कस किए हैं, जिसमें सादा वाला जो फार्मटेक 35-45 हीरो चैम्पियन मॉडल में यूज़ होता है, और सेकंड वाला डायफ्राम वाला था जो फार्मटेक चैम्पियन वैल्यू मैक्स मॉडल में यूज़ होगा, और ये तीसरा वाला है जिसको हम अनबॉक्सिंग कर ले फार्मटेक लॉर्ड मैक्स मॉडल के अंदर। तीनों ही सिंगल क्लच में यूज़ होने वाले क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है, जो कि आपको अनबॉक्सिंग करके भी बता रहे हैं। ये तीसरे टाइप का क्लच प्लेट है, पंगुड़ी नुमा पेन नुमा बहुत ज़्यादा चलता है, ये भी थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, देख सकते हैं इसको हमने अनबॉक्सिंग किया है, इस तरह से आएगा ये क्लच प्लेट, अभी बाहर निकाला जा रहा है, देख सकते हैं ऐसा आएगा क्लच प्लेट, चुम करके भी आपको दिखा दिया है, फैन नुमा है, पंखुड़ी वाला क्लच प्लेट बोलते हैं, इसमें 4 फैन 5 फैन अलग अलग आते हैं, ये हमारे पास 4 फैन का अवेलेबल है, इसको आपको बताया अनबॉक्सिंग करके, और इसका ये डायफ्राम वाला प्रेशर प्लेट भी आपको दिखा दिया है, इसको भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देंगे, इसको भी बाहर निकालेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आएगा, ये देख सकते हैं प्रेशर प्लेट, अंदर भी इसके पार्ट नंबर आएंगे, ये टॉप वाले देख सकते हैं, ये अंदर भी पार्ट नंबर लिखे हुए हैं, डायफ्राम वाला प्रेशर प्लेट है। तो दोस्तों आज हम तीनों ही टाइप के क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो हमारे पास अवेलेबल थे फार्मटेक के सिंगल क्लच के, फार्मटेक 35-45 हीरो चैम्पियन ओल्ड मॉडल ओल्ड मॉडल, और फार्मटेक के वेल्यूमैक्स चैम्पियन मॉडल, फार्मटेक के लॉर्ड मैक्स चैम्पियन मॉडल, इन सारे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पर डिस्कस किया है। तो दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हमारे चैनल शाखा मिट्टी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।